हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पल्लव मिथल हूँ, सहाचार्य राजनीतिक विज्ञान विभाग, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। मैं आज आपको BA थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में अरस्तु के बारे में बताऊंगा। अरस्तु के विचारों में यूं तो बहुत सारे विषय हमारे सामने हैं, परंतु हमारा आज का विषय है अरस्तु के दास्ता के संबंध में विचार। अरस्तु का संबंध यूनान से था और दास प्रथा यूनानी जीवन का आधार थी। दास प्रथा के बारे में बताते वक्त अरस्तु के दिमाग में संभवतः एटिक नगर राज्य की व्यवस्था रही होगी। वहाँ दास परिवार के समय सदस्य की भांति रहते थे। सामाजिक व कानूनी दृष्टि से उनके प्रति कोई असमानता नहीं थी और ना ही उनके प्रति किसी भी प्रकार का खराब व्यवहार किया जाता था। ये दास पारिवारिक नौकर करने वाले श्रमिक हुआ करते थे, परंतु उनके प्रति अन्याय नहीं किया जाता था। अतः दास प्रथा नगर राज्यों की प्रमुख विशेषता और आवश्यकता थी। दास अपने स्वामी के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को जुटाने का काम करते थे, क्योंकि तभी उनके स्वामी अपने राजनीतिक और सामाजिक कर्तव्यों की को पूरा कर पाते थे। हालांकि बहुत सारे सोफिस्ट विचारक, विशेष तौर पर एंटीफोन आदि, दास प्रथा के अरस्तु के विचारों से सहमत नहीं थे। उनका तर्क था, ईश्वर ने सभी को समान बनाया है, अतः किसी को भी किसी अन्य व्यक्ति पर स्वामित्व का अधिकार नहीं हो सकता। परंतु अरस्तु यूनानी परंपरा का सही मायने में प्रतिनिधि था। उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होने के साथ साथ ही व्यवहारिक भी था। उसे मालूम था पूरी यूनानी सभ्यता दास व्यवस्था पर टिकी है, इसलिए वो दास प्रथा को बौद्धिक आधार प्रदान कर उसके औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास करता है। उसका तर्क है कि जिस प्रकार वाद्य यंत्रों के बगैर उत्तम संगीत संभव नहीं है, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी का उत्तम जीवन तथा नैतिक और बौद्धिक गुणों का विकास भी संभव नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अरस्तु ने का दास्ता से अर्थ क्या है और दास्ता की प्रकृति क्या है। अरस्तु के नज़रिए से अगर हम देखें तो अरस्तु ने दास को पारिवारिक संपत्ति का भाग माना है। दास वह है जिसका स्वयं का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, यहाँ तक कि उसका अपना कोई दिमाग भी नहीं है। उसमें केवल इतनी समझ है कि वो स्वामी के आदेशों का पालन कर सके। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए और हमें समझाने के लिए अरस्तु परिवार का सहारा लेता है। उसका कहना है कि राज्य परिवार या गृहस्थियों का योग है। परिवार में स्वामी, दास, पति, पत्नी, संतान और संपत्ति सभी सम्मिलित रूप से शामिल हैं। संपत्ति अनिवार्य रूप से गृह प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है, परंतु स्वामी की जो संपत्ति है वो दो प्रकार की है, एक सजीव और दूसरी निर्जीव। इसमें निर्जीव संपत्ति में धन संपत्ति, मकान आदि अचल संपत्ति सम्मिलित होती है, जबकि सजीव में घोड़ा, गाय, पशु व दास शामिल हैं। किसी भी परिवार के लिए दोनों ही अनिवार्य हैं। ये वो उपकरण या यंत्र हैं जिससे नागरिक या स्वामी के परिवार का कल्याण संभव है, परंतु दास के सजीव उपकरण या साधन के रूप में इसलिए भी होना ज़रूरी है क्योंकि वे ही निर्जीव उपकरणों का प्रयोग कर उत्पादन का कार्य करते हैं। संक्षेप में कहूँ तो दास नागरिक परिवार की संपत्ति है। इस परिवार से अलग दास का कोई महत्व नहीं है। मनुष्य होते हुए भी वह दूसरे के अधीन है, अपनी प्रकृति से ही वो दूसरे का है।
उसका अपना अलग कोई स्वतंत्र वजूद नहीं है। अरस्तु अपने समय में क्योंकि दास प्रथा को आवश्यक मानता था और उसे मालूम था कि दास प्रथा यूनानी जीवन का एक अभिन्न अंग है, अतः अपने विचारों में वह दास प्रथा के औचित्य को सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के तर्क हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अरस्तु ने नैतिक और भौतिक दोनों आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया है। बार्कर और फॉस्टर दोनों का ही मत है कि अरस्तु ने उपयोगिता व आवश्यकता के आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया है। अरस्तु के द्वारा जो तर्क दिए गए हैं जो दास प्रथा का समर्थन करते हैं, उसमें सबसे पहली बात जो वो हमारे सामने रखता है वो ये है कि दास प्रथा प्राकृतिक है। अरस्तु का मानना है कि विषमता प्रकृति का नियम है जिसमें सबसे योग्य और श्रेष्ठ अन्य लोगों पर शासन करता है। प्राकृतिक रूप से मनुष्य की योग्यता बुद्धि व गुण असमान है, अतः कुछ जन्म से ही स्वामी और अन्य दास होते हैं। शासक और शासित, स्वामी या दास का अंतर उनकी जड़ और चेतन प्रकृति में व्याप्त है। स्वामी या दास के बीच का अंतर बौद्धिक भी है और शारीरिक भी। दास में केवल स्वामी के आदेशों को समझकर कार्य करने और शारीरिक रूप से पशु समान अपनी सेवा देने की क्षमता होती है, जबकि स्वामी का शारीरिक गठन श्रम करने लायक नहीं होता। वह बौद्धिक योग्यता से अपने नागरिक कार्य को पूरा करता है। आगे अरस्तु हमें कहता है कि दास प्रथा स्वामी या दास दोनों ही पक्षों के लिए उपयोगी है। दास और स्वामी एक दूसरे के पूरक हैं। स्वामी के पास नागरिक कार्य के लिए समय तभी मिलेगा जब शारीरिक श्रम से उसे मुक्ति मिलेगी और शारीरिक श्रम के कार्य दासों के द्वारा किए जाएंगे। अरस्तु का कथन है कि जिस प्रकार उचित संगीत यंत्रों के बिना अच्छा संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, वैसे ही दासों के अभाव में और अवकाश के बिना स्वामी अपने नागरिक कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। दास प्रथा दास के लिए भी उतनी ही जरूरी है क्योंकि स्वामी के साथ और उसके संसर्ग से उसे आत्मसंयम और विवेक जैसे गुणों को जानने का अवसर मिलता है। नैतिक व बौद्धिक गुणों के से संपन्न स्वामी के संघ का लाभ दास को निश्चित रूप से मिलता है। जिस प्रकार शिशु को बड़ों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दासों को भी समझदार और योग्य स्वामी की आवश्यकता और ज़रूरत होती है। अरस्तु का मानना है कि दास प्रथा नैतिक है क्योंकि स्वामी और दास के नैतिक स्तर में भी अंतर है। स्वामी से अपेक्षा है कि वह दासों के प्रति उचित व्यवहार रखे और दास को स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए क्योंकि तभी उसके गुणों का विकास होगा। अरस्तु जानता था कि दास प्रथा यूनानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्थायित्व का आधार है। यूनानी नगर राज्यों में एक बड़ा वर्ग दासों का था जो विशेषकर उत्पादन के कार्य से जुड़े थे। दास प्रथा को अस्वीकार करने का अर्थ था कि पूरी की पूरी यूनानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। अरस्तु ने अपने विचारों में इसलिए व्यवहारिकता के आधार पर भी दासता का पक्ष लिया और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए दास प्रथा का होना जरूरी माना। अरस्तु का मानना है कि दास प्रथा का बौद्धिक दृष्टि से भी औचित्य है। संपूर्ण जगत में शासक और शासित का ही संबंध है। बड़ी मशीन या यंत्र छोटी मशीन को नियंत्रित करती है। मानव शरीर में आत्मा शरीर पर शासन करती है। उसी प्रकार स्वामी अपनी श्रेष्ठता और विवेक के कारण दास को अपने विवेकपूर्ण निर्देशन में रखता है। युद्ध को भी
अरस्तु दास्ता का आधार मानता है, क्योंकि उसका मानना है कि युद्ध में पराजित व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है। उन्हें वैधानिक दास की संज्ञा दी गई है, लेकिन किसी भी हालत में पराजित होने पर भी यूनानी को दास नहीं बनाया जा सकता। वह अरस्तु के विचारों में नस्लीय श्रेष्ठता का परिचायक है। अरस्तु दासों को दो प्रकार के मानता है, एक तो स्वाभाविक दास जो जन्मजात दास हैं, और दूसरे वैधानिक दास।